नमस्कार सर, स्वागत है चल पसर की बड़ी खबर के साथ। के सामने मौत जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक में कर रहे हैं प्रचार, लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता के खिलाफ चुनाव आयोग ने FIR दर्ज की है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला इसके साथ में। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर प्रियंका गांधी ने जोरदार निशाना साधा है। दोस्तों बताएंगे आपको, प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने कह दी ऐसी बात की सोशल मीडिया पर, प्रियंका गांधी की जमकर तारीफ की जा रही है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला इसी के साथ में। चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कर दिया ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कि जमकर आलोचना होने लगी। दोस्तों और बीजेपी के नेता को जब पता चला कि गलती से ये ट्वीट कर दिया, फिर तुरंत बीजेपी के नेता ने डिलीट किया है। सांसद प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक में कर रहे हैं चुनाव प्रचार प्रसार, लेकिन अपने ही संसदीय क्षेत्र वाराणसी के अंदर 2 दर्जन से ज्यादा बीजेपी के नेताओं को 6 साल के लिए बर्खास्त किया गया है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड के दौरान जमकर झपकियां लेते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री दिखाई दिए हैं, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी दोनों की आलोचना की जा रही है। दोस्तों और ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले 7 खिलाड़ियों को दिल्ली पुलिस ने दी है सुरक्षा। वहीं पर कर्नाटक के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की रैली को सफल बनाने के लिए 500 रुपए बांट कर लोगों को बुलाया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद उठ रहे हैं गंभीर सवाल, एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों लेकिन उससे पहले, अगर आप भी मानते हैं कि कर्नाटक परिवर्तन के रास्ते पर निकल चुका है और इस बार कर्नाटक में डंके की चोट पर परिवर्तन होने जा रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। दोस्तों कर्नाटक के विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर सोशल मीडिया पर ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के नेता चमराज नगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर वी सोमन्ना ने JDS के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन स्वामी को प्रभावित करने की कोशिश की। बीजेपी के उम्मीदवार ने JDS के उम्मीदवार को फोन करते हुए कहा कि आप अपना नॉमिनेशन वापस ले लीजिए, आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको सरकारी गाड़ी दी जाएगी, आपका ख्याल रखा जाएगा, चुनाव में हमारी सरकार बनने जा रही है, आप बीजेपी का वोट मत बांटिए, आप मुकाबले से हट जाइए, इस तरीके की बातें कही गई थी। दोस्तों और ऑडियो वायरल होने के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने जो शिकायत दर्ज कराई है, तो इस पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने सीधा FIR दर्ज किया है और बीजेपी के नेता सोमन्ना की मुश्किलें बढ़ गई है। दोस्तों आप लोग जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये कहना कि कांग्रेस के लोग मुझे गालियां देते रहते हैं, विकास की बात नहीं करते, उस पर जोरदार निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी से टक्कर लेते हुए कहा कि मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जो जनता के सामने कहता है कि मुझे गाली दी जा रही है। प्रधानमंत्री के पास जनता की समस्या की कोई लिस्ट नहीं है, बल्कि गालियों की लिस्ट है। मोदी जी, मेरे भाई से सीखिए जो कहता है कि गाली क्या, मैं इस देश के लिए गोली खाने को तैयार हूँ। कर्नाटक के जमखंडी में प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को सीधे अपने निशाने पर लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि पहली बार प्रधानमंत्री मोदी के सवालों का जवाब प्रियंका गांधी दे रही है और प्रधानमंत्री मोदी प्रियंका गांधी के सवालों पर जवाब देने से बच रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रियंका गांधी जब जवाब देना शुरू कर देंगी तो इसी तरीके के मुद्दे उठाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी को भी शायद विकास की बात करने पर आ जाना पड़ेगा। आप लोग किस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। सांसद प्रियंका गांधी बोली, कहा बीजेपी सरकार ने 1.5 लाख करोड़ की लूट की है। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी ने विधायकों को खरीद कर कर्नाटक के अंदर एक ऐसी सरकार बनाई जिसकी नीयत शुरू से ही गलत थी। नीयत यह हुआ कि प्रदेश के अंदर गवर्नेंस कम हो गया, मुख्यमंत्री बदले गए, विकास के कार्य में रुकावट देखने को मिली, भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। बीजेपी सरकार ने तकरीबन 1.5 लाख करोड़ की लूट की है। दरअसल दोस्तों प्रियंका गांधी के इन बयानों पर बीजेपी के नेता बौखला गए हैं और प्रियंका गांधी के बयान को गलत बता रहे हैं और तरह तरह की टिप्पणियां भी कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी अब JDS के गढ़ में जबरदस्त सेंधमारी करने की तैयारी कर रही है। वोकलीगा समुदाय के सबसे मजबूत गढ़ों में से एक विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी रैली की है। दोस्तों भारी जनसैलाब देखने को मिला है, सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लोग कह रहे हैं कि लिंगायत समुदाय के बाद वोकलीगा समुदाय के लोग भी कांग्रेस पार्टी के साथ में आते जा रहे हैं और इस तरीके का जनसैलाब बता रहा है कि यहां पर भी परिवर्तन की हवा चल रही है। साथ साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री मोदी के कर्नाटक की रैली को फ्लॉप बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको जनता को संबोधित करते हुए गाली इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये बताना चाहिए कि आपने विकास के लिए क्या किया है। मोदी जी आप बताइए कि 40% की सरकार, करप्शन की सरकार, कमीशन वाली सरकार को क्यों जनता ना हटाए। पहला सवाल ये पूछा गया कि प्रधानमंत्री मोदी जी, क्या आप 40% कमीशन वाली सरकार को जस्टिफाई कर रहे हैं, क्या आपका नारा हो गया है कि 40% कमीशन खाओ और दिल्ली को भी खिलाओ। दूसरा सवाल पूछा गया कि कांग्रेस ने कर्नाटक को 1 नंबर बनाया IT सेक्टर में, 1 नंबर बनाया बायोटेक्नोलॉजी में, 1 बनाया एरोस्पेस में, कर्नाटक की बीजेपी गवर्नमेंट ने 1 बनाया कर्नाटक को करप्शन में, और आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। तीसरा सवाल ये पूछा गया कि आपने चुनावों में वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार सभी व्यक्ति को दिया जाएगा, 15 लाख रुपए दिए जाएंगे और किसानों के आमदनी को 2 गुना किया जाएगा, और आपकी चीज, आपके बातों में केवल एक ही चीज है जो परमानेंट है और वो है जुमला। आपने जुमला के सिवा
जनता को कुछ नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट ने राजस्थान के अंदर एलपीजी का सिलेंडर 500 रुपए का दिया है, जैसा कि उन्होंने वादा किया था। क्या आपने जो वादा किया था उसे डिलीवर करेंगे या नहीं करेंगे? चौथा सवाल पूछा गया है कि आप केवल इस बात पर क्यों विचार करना चाहते हैं कि आपको किसने क्या कहा, आपके बारे में क्या लोगों की राय है। इस पर चर्चा करिए कि जनता के विषय में आपके पास क्या पॉलिसी है, लोगों के रोजगार को बढ़ाने के लिए आपके पास क्या पॉलिसी है, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए आपके पास क्या पॉलिसी है। 2008 हो या फिर 2019 बीजेपी सरकार बनाने के लिए राज्य के अंदर केवल अस्थिरता लेकर आई है, साथ साथ कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पर दोस्तों एक और बीजेपी के नेता की गलती को पकड़ा गया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता थमेश गौड़ा ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया है। दोस्तों इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि नरेंद्र मोदी द लोएस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी दोस्तों ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, प्रधानमंत्री मोदी को कमतर बताया गया है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए जोरदार तंज कसा है। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट भी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर इस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के 100वें मन की बात कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के नेता ने अपनी तस्वीर खिंचवाई और सोशल मीडिया पर डालकर ये दावा करने की कोशिश की कि वो भी प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात को सुनते हैं, लेकिन हकीकत की पूरी तरीके से पोल खुल गई है। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। और एक और बड़ी अपडेट की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी तैयारी की थी। जगह जगह बीजेपी ने मन की बात कार्यक्रम को चलाया था। दोस्तों बड़ी बात यह है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी बैठकर प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात सुन रहे थे, लेकिन इस दौरान उनको बड़ी नींद आ रही थी। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लोगों ने दावा किया है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम के दौरान झपकियां ले रहे हैं, जिसके बाद लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय जनता पार्टी और तमाम नेताओं से ये पूछा है कि क्या यही है मन की बात जो लोगों को नींद में डाल दे रही है। साथ साथ दोस्तों दिल्ली में चल रहे देश के रेसलरों के प्रदर्शन के 7वें दिन भी ये प्रदर्शन जारी रहा है। आपको बता दें कि पहलवानों ने साफ किया है कि जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 FIR दर्ज किए गए हैं। 7 खिलाड़ियों को दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा दी है। जंतर मंतर पर धरना जारी है। WFI के अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाले सभी 7 महिला पहलवानों को दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा दे दी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने के 8वें दिन भी ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहा। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एक बार फिर से किरकिरी हो गई है। कर्नाटक के अंदर प्रधानमंत्री मोदी एक रैली करने के लिए पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी के रैली के दौरान दावा किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने भीड़ जुटाने के लिए लोगों को पैसे बांटे हैं। 500-500 रुपए बांटता हुआ एक व्यक्ति बीजेपी की रैली में दिखाई दे रहा है। दोस्तों दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता और MLA पी राजीव के सपोर्टरों ने ये पैसा बांटा है लोगों को लाने के लिए, भीड़ इकट्ठा करने के लिए, ताकि प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक में एक बार फिर से पॉपुलर है, इस तरीके का संदेश दिया जा सके। और कर्नाटक के चुनाव आयोग से कहा गया है कि आप इस मामले पर तुरंत कार्रवाई करिए, बड़ी कार्रवाई करिए, क्योंकि इससे पूरे कर्नाटक में फ्री एंड फेयर इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को ही धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। साथ साथ दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी तैयार हो जाते हैं तो मैं उनके साथ चलने को तैयार हूँ। इस संबंध में ट्वीट करते हुए सिद्धरमैया ने कहा कि वह सक्रिय राजनीति से नहीं हटे हैं और उन्होंने मोदी को यह चुनौती दे दी है। इसी के साथ में उन्होंने अपना एक भारत जोड़ो यात्रा का वीडियो शेयर किया है, जिसमें राहुल गांधी के साथ काफी झटपट चल रहे हैं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, यानी दोस्तों उनको बुजुर्ग बताने की कोशिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं, जिसका जवाब उन्होंने अपने तरीके से दिया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी रविवार को 30 अप्रैल बीते दिन अपने रेडियो के कार्यक्रम मन की बात कर रहे थे, लेकिन इस दौरान TMC के सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि डियर मोदी जी, आज मन की बात का 100वां एपिसोड संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भी सीधा प्रसारित हो गया। ऐसे में प्लीज ये बताइए कि भारत के एथलीट बेटियों को शक्तिशाली भाजपा शिकारियों से क्यों नहीं बचाया जा सकता? SEBI अडानी मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की समय सीमा पर पूरा क्यों नहीं कर सकती? धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। यानी दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में केवल मन की बात हुई, बाकी और कोई जन की बात नजर नहीं आई है। संस्था को बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर उनके अपने संसदीय क्षेत्र में ही उनको तगड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे निकाय चुनाव नजदीक आते जा रहे, वैसे ही बीजेपी ने वाराणसी से ही अकेले 56 लोगों को बीजेपी से 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। जिला अध्यक्ष MLC हंसराज विश्वकर्मा ने बताया कि वाराणसी के जिले में 20 लोगों को पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। महानगर के अध्यक्ष विद्यासागर राय ने बताया कि 36 लोगों को पार्टी विरोधी गतिविधि के कारण बाहर का रास्ता दिखाया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों अब तक 56 ऐसे लोग हैं जो बीजेपी से बाहर हो चुके हैं, जिन पर पार्टी विरोधी गतिविधि करने का आरोप लगा है। साथ साथ समाजवादी पार्टी के लिए बुरी खबर सामने आई है। 30 साल से समाजवादी पार्टी में रहने वाले एक नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष की कुर्सी के खातिर लगातार कोहराम मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी के मंच पर रो रहे समाजवादी पार्टी के भदोही से काफी पुराने नेता हुसैन अंसारी ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। दोस्तों 2017 के
का है। चुनाव में समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़वाया था और वो लड़े भी थे। 2017 के चुनाव में 204 वोट से चुनाव हार गए थे। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। कुल मिलाकर बड़े नेता है और उनके चुनाव जीतने की संभावनाएं भी काफी ज्यादा है। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी टीवी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर निशाना साधा गया है। वॉल्यूम का साइन बनाकर मन की बात 40% लिखी गई है और जन की बात कट्टूस लगाया गया है। यानी जन की कोई बात नहीं हुई, केवल मन की बात हुई है प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर। दोस्तों ये जोरदार निशाना है। साथ साथ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटका के चितपुर से कैंडिडेट एक वीडियो में अपने हाथ में तमंचा लेकर घुमाता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल दोस्तों इस व्यक्ति पर 10 FIR 307 के तहत दर्ज है और अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे कई सारे मामले हैं। इस व्यक्ति को बीजेपी ने टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।